उसमें सोच रहे हम लोग ने किया है किस प्रकार से आज तक जो काम हमने किए हैं पिछले 5 साल के अंदर आप इस बार सहमत होंगे कि उसकी डिलीवरी पूरे देश में बड़ी है। पूरे देश में हमारे आपको और हमको पूरे प्रदेश वाले गर्व मानते हैं कि आज पूरे प्रदेश में राजस्थान चर्चा के अंदर किसी किसी रूप में हम कोई रूप में भागा रिपेंड नहीं करना चाहता आप जानते हैं चर्चा में जरूर है राजनीतिक तौर से भी स्कीमों के अंदर भी कानून बनाने के अंदर भी मेरे शिविर पर लेते भी ग्रामीण आनंद पर लेके भी यूपीएस पे लेके भी पश्चिमा के गेम गेमों में लेके भी है और भी नहीं काम है जिसमें आज आते हैं चर्चा में आ गया पूरे देश के अंदर ये पूरे प्रदेश में जो घर रहने बात कोई प्रदेश का चर्चा माना पूरे देश के अंदर उस प्रदेश के बारे में मान सम्मान बढ़ता है मेरा मानना है कुछ मैं पढ़ के शुरू आपको जिससे क्लेम भी रहेंगे आपके दिमाग के अंदर सरकारें जो है गारंटी कार्ड पक्का वाला जनता जरूरी उन्हें प्लानिंग करती है सरकारें उसके बाद में वर्षित होता है उसके बाद में गारंटी दी जाती है उसके बाद होता है पहली बार सरकारें जो है मुख्यमंत्री साइन के आपको गांधी गांधी परिवारों ने आगे कार्ड लिए वहां पर उसमें 8 करोड़ 5 लाख गांधी कार्ड उनको प्राप्त हो रहे हैं चाहे वो थोड़ी बिजली हो फ्री 2000 यूनिट बिजली फ्री हो 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो 10 लाख का इंश्योरेंस हो 40,000 इंश्योरेंस हो कोविड को मोदी के अलावा भी अनुपूर्ण राशि स्थित हो 125 करोड़ का फ्रेंड होल्डर हो न्यूनतम के लिए में पेंशन हो 500 गैस सिलेंडर हो तमाम गारंटी लागू होगी। इस बार जून में जो है 40 लाख हमारे बजट में साधना की पेंशन को लगभग तारीख बचाएगा तो जो हम चाहते हैं 1 करोड़ 35 लाख बढ़े वो महिलाओं को उनकी जो चिप होती है क्राइसिस में कोविड के बाद में उसके बाद में सपने लगने हो नहीं पाए ना बन पाए ना बांट पाए वादा में किया चुनाव खत्म होते ही सरकार हमारी बनेगी और हम 1 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फोन में मोबाइल फोन में मिलेगी 3 तारीख के दो सेवन थ्री के साथ गांधी कार्ड की प्रक्रिया जो मैं शुरू करी है ये भी एक प्रकार के गवर्नेंस का एक नया मॉडल है देश के अंदर मुझे बता दें लंदन जो है किंग्स कॉलेज लंदन किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर जो है वो राजस्थान आए गांधी कार्ड और गांधी सर्विसेज मिलने के मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं इतने बड़े लाइन में कैसे संभव हुआ राष्ट्रीय का 25 लाख का बीमा कैसे संभव था अच्छा एक प्रकार से रिसर्च के बिना मुझे है उनसे मुल्कों के अंदर भी हमारे घर के बना होते हैं जिसमें आपको कहा एक्सप्रेस के अंदर मुझे एक्सप्रेस में ये छपा था मित्र का जो यूनर में से समूह का कि जो राष्ट्रीय गवर्नमेंट कानून बनाएगी वर्कर्स का ऐसा कानून देश के हर राज्य में और दुनिया के मुल्कों में दुनिया के मुल्कों में उदाहरण होगा और भी देखेंगे एजेंसी सर्विस में गई तो उनका मानना था ये कानून का संभव होगा न गया बड़े गर्व आप स्वामी का अपने करते हो आप उनको गर्व होगा लेकिन जाता हूं तो
कांटे के आते थे, उन्हें ध्यान नहीं दिया। ये हमारा दृढ़ निश्चय है, राहुल गांधी जी कहते हैं, कांग्रेस साहब कहते हैं, माना करो मत, करो मुझे भाव। हमेशा उस स्थिति में राहुल गांधी जी ने कर्जा माफी का मामला चल था, सात दिन में कर्जा माफ हो गए, सात दिन कर्जा माफ पूरे राज्य में की। हमारे यहाँ पर गुरुदेव का नाम सबसे पहले कर्जा माफ, बाईस लाख लोगों ने कर्जा माफ। प्रधानमंत्री जी को कृपा करके जो आप 1,000 को 2,000 को 5,000 को ये कर्जा आपको निश्चित से उन्हें माफ भी करके उन्हें निगोशिएट करके 5,000 करोड़ कर्जा 5,000 करोड़ का आप 3,000 में बांटते हो निगोशिएट करके और 3,000 रेकरे से वसूल करते हो। हमने कहा किसानों से आप निगोशिएट करेंगे कम हो जाएगा राशि, किसान जो फ्री आएंगे वो हम भरेंगे। आज तक मैं किसान नहीं आया, इसलिए मैं कभी निंदा करता हूं किसानों के लिए। प्रणब ने कह दिया हमारी नीति नहीं है किसान को पैसा माफ करेंगे, हम बिगड़ जाएंगे, किसान बिगड़ जाएंगे। जब मुश्किल अच्छी मुश्किल क्या करेंगे, अब देखने में लोग सुबह क्या प्रश्न का जवाब आया हुआ है, उसके मतलब ही साहब बिगड़ जाएंगे। इस प्रकार से जिनका विश्वास किसान पे नहीं है उनको क्या कर दे सुधारने देने का। इंडस्ट्री का कर्जा माफ हजारों करोड़ में करने हो, किसान का कर्जा माफ करना आपको शर्म आ रही है, वो बिगड़ जाएगा, जमा नहीं करना है। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है, प्रचार कर रहे थे हमने सरकार की नीतियों का कार्यक्रमों का सिद्धांतों का फैसलों का जैन बैठ गया है। हमें ईडी फोर्सी के करते है वो अलग बात है, ईडी फोर्सी के लिए इसको टारगेट नहीं करते, इसको टारगेट नहीं करते, वही बोलता है सरकार के बारे में, पर ईडी को फिर सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े ये दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई मुख्यमंत्री चुनाव मुख्यमंत्री कहे जिसे चुने जीती हवा चल रही है वहां पर, वो कहे पुत्रों में जगह नौकरी नहीं खेल के अंदर देश के अंदर इतने दुर्भाग्य क्या होगा बता दें आप। मुझे गुस्सा आता है आज भी देश के नागरिक है चंपे गांधी हमारे देश में है नहीं होगा अगर बता इंदिरा गांधी सही हो गई राजीव गांधी सही हो गए तो देश को कोई मौका रखा बना नहीं बना दिया जो पूरे बंदे बंद होते हैं
बहुत बन गए लगे मोदी गारंटी है, गारंटी शब्द उनकी जबान पर आने लगे थे, घबरा गए हमारे गारंटी भरे मोदी ने खुद गारंटी ये मेरी गारंटी है। तो मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में इतना विश्वास ढूंढे हैं, भरोसे ढूंढे हैं प्रदेश के ऊपर, विश्वास के नाम कांग्रेस है राजस्थान में, विश्वास के नाम कांग्रेस है, तरक्की के नाम कांग्रेस है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको, और भरोसे का नाम ही कांग्रेस है राजस्थान के अंदर। हमारी गारंटी मानने को प्रधानमंत्री फॉलो करने मैंने कहा अभी आपको 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार बैंक में लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लोकपाल बन जाएगा, यूपी गवर्नमेंट को टॉपर करने के लिए षडयंत्र किया गया, आगे से बीजेपी ने क्योंकि इसका इतना कोलगेट पांचों चीजों को लेके बता दीजिए मुझे, चर्चा भी होती थी इसके अंदर, इलेक्शन किए सरकार बन गई, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाईकोर्ट जज के अध्यक्ष को कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाई बहुत साल में सुना आप लोगों ने, वो कमेटी जिंदा भी है नहीं, ये हालात है। दो घंटे के लिए घोषित नहीं करते मेरे घरों के अंदर, उनके पास घर कम हुआ है, घर घर के अंदर चर्चा में लग रही है, 10,000 रुपये महीने का चुनाव महिला घर की मुखिया है और सारा खर्चा में चलाती है, मानना पड़ता 25 रुपये कम से कम 10,000 रुपये की जेब में रहेंगे तो छोटे मोटे खर्चे में बार बार मांगना नहीं पड़ेगा, और सम्मान होगा महिला का, ये महिला का सम्मान है इस प्रकार से उनकी सम्मान होनी चाहिए, जो मेरी सोच है राइट टू फ्यूचर सिक्योरिटी, लागू हो जाएगा देश के अंदर कानून बन जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद में तमाम असेंबली में दिए मैंने आज सहयोग की, कोई जरूरत नहीं पड़े हर परिवार में पैसा मिलेगा, उस जरूरत के हिसाब से साफ सफाई में बिजली की बात करें, बीमा की बात करें, दो दिन की काम करने की बात करें, या यहाँ पर जो खाती संबंधी का जो किट है ये क्या बने, हर परिवार को पैसा मिलना चाहिए, कानून बना के पैसा मिलना चाहिए जिससे ज्योति नहीं बने। राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपये न्याय योजना, वो उसी का रूप है, कानून का रूप देना चाहिए पार्लियामेंट को, अंदर मेरा मानना है गांधी जो में भी है, सिंह जी जो विपक्षी लोग बोलते रहते हैं कि आप दिवाली हो जाएगा प्रदेश दिवाली हो जाएगा, बकायदा हम लोगों ने जो है बकायदा हम लोगों ने सोच समझ करके एक्सपर्ट की राय लेकर के फंडिंग की राय लेकर के सोच समझ के तमाम योजना बनाई गई है। बजट पेश किया था तब हमने जो 10 गांधी जी थी वो दूसरी अपार थे, सोच समझ के रात को 3-3 बजे बैठ करके मैंने पूछने बजट के लिए नियम बन रही थी, तो वित्तीय क्यों नहीं हो, पैसा का बीमा क्यों नहीं हो, वित्तीय योजना थी हमने घोषित तय की है, ये तमाम योजना जो हम राजनीति ने आगे के लिए मेरी सोच समझ करके एक पूरी राय लेके के उसके बाद में लागू करने जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहली गांधी में कहा आपको मेरा लक्ष्मी योजना परिवार मेरा मुखिया को आज मुझे बनाकर सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गांधी में लिखा आपको 1,05,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा, फिर दारा बना दिया भरे वो लिखा एक बार जो आपको उज्ज्वला योजना जो है चेतनाओं को प्रधानमंत्री ने चाटा और उनको दिया है, अब वो 25 साल में नहीं आया, 25 साल में नहीं आया, हमें चेतनाओं का हमने बैठ बनाया था, इसका मतलब है कि
इतनी बड़ी घड़ी की गुर्बत के लोग होंगे, आपने नाटक करने के लिए गुरुओं का नाम ले लिया, और मैं बचपन के खिलाफ नहीं हूँ इसके। आज मैं चाहता हूँ हम लोग इस लैंग्वेज है
आपने मुझे जानी रखी पकड़ी मुझे मुर्गन रखी है आप बिलीव नहीं करोगे मित्रों मित्रों आप विश्वास नहीं करोगे इस कदर मतलब लड़कियां बोलती है मेरी सामने ली हम सब जाते कई बार बच्ची गांव की लड़के इंग्लिश बोलने लगे थे खुद ही मिल जाती है कितनी खुशी होती है और जब रास्ता बना ये रास्ता आगे निकल आएगा जब आपको भुवनेश्वर मिले यहाँ कहा जेवर का तो फिर से तो कहा जाएगा और नंबर दो राजीव गांधी नाम के जन्म मेरी सुंदरी है विदेश भेजने की पांच बच्चों को उन क्रांतिकारी के जन्म एक डॉक्टर अम्बेडकर छात्र जीवन में उसको अगर बोलने के मान में भेजा जाए तो असम में हमने इतनी भारत आज वो सीधा निर्माता बन गया टेक्नोक्रेट बन जाएंगे कि साइंटिस्ट बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे आई टी एक्सपर्ट बनेंगे ये मानव संसाधन राजस्थान का पूरे देश के काम क्या पूरे देश ही काम आए ये मेरी सोच है जो है हिंदी मीडियम जो खुले हैं उसके बाद में सरकार ने मेगा जॉब फेयर लगाए हैं और आपको खुशी होगी जो इंपोर्टेंट आती कंपनी है उनको फीडबैक जो मिला है कम्युनिकेशन का बच्चों के लिए उसमें कम से कम धंधा वहां इस बात की खुशी हुई सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी उनको बच्चों और कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी मिल जाएगी फायदा ही होगा बनाई जाएगी और कॉलेज स्तर पर हम इसको तो नहीं रहेंगे कॉलेज स्तर तक पर भी इंडियन मीडियम की सक्सेस हो भी आएगी मतलब बच्चा जो फोन तक तो उसको रिकॉर्ड मिलती है इंडियन स्कूल में इंडियन कॉलेज में आए वो कॉलेज में बनाना प्रॉब्लम बनी रहते हैं हमारे बच्चे आईटी में कोडिंग में और नई तकनीक के बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कमजोर हो जाती है इसके लिए हम कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट के लिए एक गारंटी लेकर आए हैं हमारी पांचवी गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिट होने लेंगे उनको सरकार द्वारा लैपटॉप की गारंटी है बच्चे जो है पांचवी गारंटी के रूप में सरकारी कॉलेज में एडमिट लेंगे सरकारी कॉलेज ही लेंगे इंग्लिश नहीं इंग्लिश के अलावा भी तमाम सरकारी कॉलेज के अंदर जो बच्चा देगा एडमिशन उसको सरकार द्वारा फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर लेते ही उसको टैबलेट या लैपटॉप दिया जाए ये बड़ा फैक्ट रहा हर कॉलेज के अंदर खाली इंग्लिश कॉलेज नहीं गई खुलने के लिए कॉलेज चल रही है सरकारी कॉलेज उन सब बच्चों को जो प्रवेश लेगा उन सब बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा प्रवेश के वक्त में जिससे कि वो शुरुआत में एक्सपर्टाइज कर सके अपनी आई टी हमारे अपडेट बन सके शुरू में नई तकनीकी सीख सके आई टी की दुनिया को जान सके छठी गारंटी जो है सरकारी कर्मचारी जुड़ी हुई है हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले पांच साल में कई बड़े काम किए जिससे उनमें बेहद संतुष्टि का माहौल है सरकारी कर्मचारियों में इतना संतुष्टि का माहौल में पहली बार देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर हालांकि मेरा मानना है अभी तक भी छुटपुट के समय तक बाकी उनकी है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की भी है जो सुविधा करनी उनकी भी है मैं जानता हूँ धीरे धीरे वक्त लगता है नियमों बदलने का वक्त लगता है फैसले करने में प्रक्रिया होती है वो भी इम्प्रूव करेंगे पर साथ में जो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स दिख रहा है ओपीएस के बाद में वो अद्भुत है राजस्थान के कर्मचारियों में ओपीएस के बाद में 3 लाख नौकरी लगभग लगाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी 1.5 लाख लग चुकी है
जो फैक्ट्री के कर्मचारी का हो, जो 14 कर्मियों के 1,00,000 अधिक है, उन सबके लिए नियम कायदे बंधन शुरू हो गए। उन्हें फैसला के लिए कैबिनेट करने के सब पक्का करेंगे। प्रक्रिया होती है, वो चल रही है प्रक्रिया। और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, जो फराश हो, जो ये है, इनके पंद्रह सदी अपने बढ़ती जाएगी, आगे जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं वो गंजा बैठी है, उससे हैप्पीनेस इंडेक्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं कहना चाहूंगा आपको, प्लस 20-30 के स्थान पर हम लोगों ने 9-18-27 का प्रमोशन किया है। प्रमोशन के लिए नई फोर्स क्रिएट करने का, केंद्र सरकार के साथ फ्री महंगाई भत्ता बढ़ाने का, RGSS स्कीम रिटायरमेंट के दिन ही तमाम फायदा देने, साल में 2 बार डिप्टी करने, कॉन्स्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर तक DPC से प्रमोशन की व्यवस्था कराने, ये तमाम इनको लाभ मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ मिला है ओल्ड एज पेंशन का मिला है। अब मैं कहना चाहूंगा आपको, जो DA है, DA के अंदर जो है, हमेशा आपको मालूम होगा कि DA का जो वो फैसला होता दिल्ली में, शाम को रेडियो बोल जाता जो राजस्थान के अंदर भी हम DA दे दिए। अब जो है, मैं कहना चाहूंगा कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली इनकी, 8,00,000 कर्मचारी है और 4.40 लाख पेंशनर है, इनको लाभ मिलेगा। 1,640 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा इनको। केंद्र की सरकार के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों को भी महंगे भत्ते में 4% बढ़ोतरी की जाएगी। ये हमने फैसला कर लिया है, पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मेरे हाथ में नहीं, हमने फैसला कर लिया, वित्त मंत्री ने फैसला कर लिया, वो भेज दिया हमने चीफ सेक्रेटरी कमेटी में, जो कमेटी बनी गई है इलेक्शन कमीशन को लेके, क्या कहते हैं, CO लेके, उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब बॉल इलेक्शन कमीशन बोर्ड के अंदर जो फैसले रेगुलर होते आए हैं, उनमें आचार संहिता का क्या मायना हुआ, उनको चाहिए अविलंब फैसला करे, पेंडिंग क्यों छोड़े वहां पर इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इनको महंगाई, दीपावली भी आ गई है, मैं चाहूंगा कि इनको इमीडिएटली दीपावली बोनस जो है दिया जाता है, 6,00,000 कर्मचारियों को बोनस करीब 5 रुपए खर्च होते हैं ये भी। और दूसरा वाला मैंने बताया आपको, ये वाला दोनों प्रस्ताव बना करके स्वीकृति के बाद में, मेरी स्वीकृति के बाद में हमने दिखवा दिए सीरी कमेटी को, सीरी कमेटी ने दिया है वहां पर, इन्हें कमीशन भेज दिया है। उम्मीद करता हूँ जल्दी हमारी परमिट मिल जाएगी, पहली परमिट मिलती आई है, पिछली बार जो स्थिति आई थी तब भी परमिट मिली थी, तो पहले बार मिली, पहले मिली है। अब भी मैंने क्या कारण बता दीजिए आपको, पहले परमिट मिली इस प्रकार का जो मौका आया था, तभी प्रक्रिया में बताई वो पूरी हुई थी, इधर कभी मीडिया ने या स्टेट कमीशन ने परमिट दी थी पिछली बार इलेक्शन के अंदर, पिछली बार दी थी, इस बार नहीं देने कोई कारण नहीं है। उम्मीद करते जल्दी फैसला करेंगे, और नहीं करेंगे तो भेदभाव का आरोप लगाएंगे। पिछली गवर्नमेंट की थी तब अगर किया है, हमारा अन्याय करेंगे, संजय के साथ अन्याय करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हमारे साथ भेदभाव। राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को, अभी आप देखिएगा जो एक गलत बैंक पैदा करते हैं, लागू ही नहीं हुई अभी तक, तो वो फिर लागू ही नहीं हुई, हमें जाना पड़ा भवन से जाना पड़ा, केंद्र कर्मी लागू नहीं हुई है, 10 महीने लग गया वहां पर हमारे कर्मचारियों को जाना पड़ जाएगा। आज राजस्थान में 14,000 कर्मचारियों को हमारे द्वारा बहाल की गई, वो PS का लाभ मिला, 14,000 कमजोरी महीने लग गया है, नहीं सॉरी 1400 कमजोरी महीने लग गया है, परंतु भाजपा ओल्ड एज पेंशन का विरोध कर रही है, खुला कर रही है, किसी भाजपा राज्य में OP लागू नहीं किया गया है, हिमाचल में कर दिया है, कर्नाटक में कर दिया है, छत्तीसगढ़ में कर दिया है,
बाकी राज्यों में हो रहा है क्योंकि वहां सरकार भाजपा की। ये विशेष सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, उसने जयपुर में कहा कि ओपी लागू नहीं करे, एक कमेटी बनाई थी वहां दिल्ली में, उनका कोई ऐसा पता नहीं है। हमारे गंभीर मन आशंका है यदि भाजपा आ गई राजस्थान में वो फिर वापस ले गई। हमने हमने तय किया कि आप सुनिएगा, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, हमने तय किया है, मैंने कहा आपको जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमारी साख है और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़े साहब कहते हैं वादा मत करो वादा कर निभाओ। अब मैं वादा के लिए पेश करा, अब अगली बार क्या करेंगे हम लोग सरकार बनाएंगे, वो पेश के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली में कानून पास करेंगे, किसी की मत उनको डिस्टर्ब नहीं होने जाएंगे, ये वादा करते हैं गारंटी के रूप में, जिससे कोई सरकार बाद में भविष्य में भी इनको बंद नहीं कर सके। पक्का इंतजाम कर रहा हूं मैं कर्मचारियों के लिए मान्य दृष्टिकोण से, इसे लिखा नहीं मैंने, आरजीएसएस सीजीएसएस की तरह इतनी शानदार योजना थी अपने कर्मचारियों को, मैं भी सीजीएसएस का मेंबर हूं, मेरी मेंबर पार्लियामेंट, सारा इलाज फ्री होता है, रिटर्न हो गया इन मैं बहुत मेरा नहीं लगा। मैं राजस्थान में राहुल दिया आरजीएसएस कर्मचारी में लिया रिटायर होने ले भी इतना आराम हो गया, पहले बिल पास कराओ डॉक्टर से चक्कर लगाओ अकाउंटेंट के पास जाओ, नौकरी फिर भी रहती सारी खत्म हो गई, जाओ अस्पताल में कार्ड बताओ इलाज करवाओ। फिर मैं कह रहा है चिरंजी योजना से ज्यादा सुविधा इसके अंदर है आरजीएसएस, वो भी लागू कर रहा है, इनका पता नहीं ये क्या करेंगे। कुछ समय से क्लाइमेट चेंज का असर लगातार दिख रहा है, 27 अक्टूबर में जिस तरह की सर्दी होती थी मुड़ना होकर गर्मी पड़ रही, बता यार गर्मी पड़ रही, यहाँ बैठे हैं अभी तक, इसलिए चाय का इंतजार नहीं किया है तो सॉरी, हम तो इस मामले में बड़े क्या कहते हैं अलग सा के मामले में तो चाय पिलाने के अंदर तो सवाल उठा नहीं, हमें चिंता हो रही है पानी भी पिला देते हैं आप। क्लाइमेट चेंज है सर, इतना राजस्थान में निपल जो एक तूफान आया, आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से कितना बिजली गिरने से, ये मैं बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर नहीं होगा जो मैं करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से 1,011 लोगों मौत हो गई, लगातार प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान बाढ़ बिजली गिरना आदि से बहुत नुकसान होता है खेतों के अंदर भी लोगों को। इस सबके लिए ऐसे में पीड़ित परिवारों की मदद करने का सरकार के सामने आता है, नियम भारत सरकार के लिए तय किया है सात्विक गांधी के रूप में। अब हम चिरंजीव आपदा नाम दिया उसका, चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक का बीमा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, ये बड़ी गारंटी हमारी, ये हमारी सात गारंटी रहता है, जनता को हमारे सात वचन है। इसके अलावा हमारा घोषणा पत्र आएगा, भूपत बहेज जो कि सीबीडीसी के अध्यक्ष हैं, जब भी आएगा उनके विस्तार देखने की बात आएगी, और भी आप सबको इंदिरा जी मैनिफेस्ट होता भी मिस्टर बैद संजीव जी और गंभीर जी का अनुभव है, हर सेक्टर के छोटे छोटे मुद्दे के समाधान के तरीके डाले जा रहे हैं, इन गारंटियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम सभी दो संविधान सभी क्षेत्रों में हम हर विधानसभा क्षेत्र में 5 कैंप लगा रहे हैं, 5 कैंप अभी जो ये कैंप लगा होगा आप देखा होगा यहाँ पीछे लगा होगा,
या देखेगा, हिम्मत आ गया हमें